हेलो गाइस, वन सेकंड, इट्स योर होस्ट चिकू गेमर वाईटी एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल हंटर अड्डा। एंड गाइस, वी आर बैक विद अवर फ्रेश एंड न्यू वीडियो ऑफ सोलो वर्सेस स्क्वाड। सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा, वो है हमारा टूर्नामेंट के ऊपर। तो सीधी सी बात है, हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स चालू हो चुके हैं सबके, और जितनी टीम्स हैं उनमें से भी मोस्ट ऑफ के चालू हो चुके हैं। तो इन सब के अंदर ना टूर्नामेंट को मैनेज करना थोड़ा तो मुश्किल है, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन लेक्चर होते हैं तो सबको होमवर्क होता है, ऐसे सब कुछ होता है, तो सब आधी टीम्स तो आ नहीं पाती है, फिर हम लोग भी मैनेज कर नहीं पाते। क्योंकि होल डे तो स्टडी में जाते हैं, बाकी टाइम को खाना पीना होता है, फिर सोना होता है। तो अब बाकी टाइम क्या करते हैं, खाली मैं भी खुद खेलता हूँ। ये गेम प्ले आप देख रहे होगे, ये भी सिर्फ लाइव स्ट्रीम पर हमने खेला था बस। ये मीन्स टू या फिर थ्री आवर भी नहीं, सिर्फ वन आवर ही मैं खेल पाता, ऐसा आप समझ के चल लो। तो उसकी वजह से हम लोग ने टूर्नामेंट बंद कर दिया है। बाद में टूर्नामेंट ओपन कभी करेंगे यार, अभी क्लासेस जाने दो गाइस, अभी बाद में करेंगे। तो गाइस, ये हमारा सोलो वर्सेस स्क्वाड का वीडियो। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये तो डुओ वर्सेस स्क्वाड है, तो फिर सोलो वर्सेस स्क्वाड क्यों कह रहा है? रुको गाइस, बताता हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पर ना चिकू बॉस है, वो मर गया था स्टार्टिंग में, फिर पूरा गेम प्ले मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड में निकाला है। तो गाइस, ये वीडियो हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ चलने वाला है, गेम प्ले भी। ये पूरा हम लोग ने हमारे पुराने वाले चैनल पे लाइव स्ट्रीम किया था। टेंशन ना लो गाइस, हम लोग हमारे हंटर अड्डा वाले चैनल पे शिफ्ट होने वाले, फिर आप लोग को यहाँ पर डुओ वर्सेस स्क्वाड, स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड, ऐसा सब देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। तो गाइस, आप देख ही रहोगे यहाँ पर ना मिस चिकू बॉस को मार दिया था। अब मैं यहाँ पे अलोन हूँ और मेरी हेल्थ भी बहुत ही कम थी, तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है भागने का। तो गाइस, एक ही चीज़ है, मीन्स अगर टूर्नामेंट पे आप फोकस करके खेल रहे हो सोलो वर्सेस स्क्वाड, तो सबसे फर्स्ट जो मेन बात है, यानी कि जो मेन पॉइंट है, वो है आपकी लैंडिंग। तो मीन्स आपको एक अच्छी तरह से लैंडिंग करनी होती है कि वहाँ से आपको लूट मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैं देखा ना, मैं भाग गया क्योंकि मेरे पास परफेक्ट लूट नहीं थी। फिर यहाँ पे मैं देखो घर में बैठा हुआ। अब घर में क्यों बैठा हुआ, उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि मेरे पास है पेंगुइन पेट, तो उसकी वजह से मेरे को ग्लोअल्स मिलती रहेगी। इस टाइम पे मेरे पास ग्लोअल्स थी ही नहीं। फिर देखो, ये गाइस एक एनिमी था, ये मेरे साथ भी होता है। खिड़की में घुसने का ट्राई करता हूँ तो बाहर फेंका जाता हूँ मैं। तो आपके साथ भी हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और एक और एनिमी को मैंने स्कोप खोल के हेड दे दिया गाइस। और बट ये वाला किल ना किसी ने चोरी कर लिया था, आप लोग देख लो उधर सामने, बट मैंने इसका रिवेंज ले लिया उसको बहुत ही खतरनाक वाला हेडशॉट देके। तो गाइस, एक को तो मार दिया, अब उसका भी एक दोस्त है। अब गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार तू तो नुबड़ों को मार रहा है, बट गाइस अभी आप आगे देखना कि कैसा होता है, कि कितना खतरनाक डैमेज देता है वो, आप देखना। फिर यहाँ पर गाइस एक और चीज़ का मतलब प्रॉब्लम होता है, वो है ARMO। क्योंकि देखो, आप देख ही रहोगे मेरे पास पलोमा नहीं है, यानी कि मेरे पास ARMO होगा ही नहीं। तो देखो, मैं यहाँ पर जमा कर रहा हूँ मेरी सारी के सारी वॉल। तो मैं देखा मतलब कवर के बाहर निकलना ही नहीं, अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो कवर से बाहर निकलो ही मत। और एक घर में बैठे हुए हो तो चारों तरफ देखो कि एनिमी कहाँ पर आ रहा है। जितना हो सके एनिमी को लॉन्ग रेंज में फाइट लो। और हाँ, लॉन्ग रेंज में ये भी चेक करो कि तुम्हारे पास कितना ARMO है। ARMO खत्म हो जाए तो वहाँ से निकल जाओ, जगह चेंज करते रहो। थोड़ा सा डैमेज दिया, जगह चेंज करो। मेरे को देखना, मैं थोड़ी थोड़ी देर में जगह चेंज कर रहा हूँ। थोड़ा सा डैमेज दिया, जगह चेंज करो, ताकि बंदे तुमको स्पॉट ना कर सके, तुम कहाँ से मार सकते हो। ये तो बस ऐसे ही छुप छुप के खेलो, छुप छुप के किल्स चुराओ, यानी कि जितने किल्स होगे उतने ज़्यादा आपके पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे, आपकी टीम को मीन्स फायदेमंद होगे। देखो, मैंने उधर डैमेज दिया, मैं घूम रहा हूँ कि कहीं और से एनिमी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फिर सबसे जो मेन बात थी वो तो मैं कहना ही रह गया कि सबसे जो मेन बात होती है वो है हमारे ईयरफोन्स, यानी कि जिससे हम लोग खेल रहे हैं वो चेक करने के हमारे ईयरफोन्स पे वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर देखो गाइस, मैं इधर लूटने आ गया क्योंकि मैंने उसको डैमेज दे दिया था। फिर मैंने एक छोटा सा कवर ले लिया ताकि मेरे को सेफली मतलब लूट सको, बट प्रॉब्लम ये हो गया था कि उसके अंदर ना ARMO था नहीं। फिर मैं इसमें आया, मेरे को ARMO मिला, बट आपको अपना बैग ओपन नहीं करना है, कंटिन्यूसली गोल गोल घूमते रहना और लूट करना है। और देखना गाइस अभी क्या होगा मेरे साथ, आप लोग देखना। ये 1 2 3 देखो गाइस, मेरी कितनी कम हेल्थ कर दी गाइस इसने, इसलिए तवा पीछे होना ही चाहिए। तवा परंग कुछ भी हो पीछे रखा करो, वरना मैं इधर के इधर ही मर जाता। जितना जोन छोटा होता जाएगा उतना बंदे लोग पास आते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जोन में सबसे मिडल वाली जो प्लेस है ना, वहाँ पे जाके बैठ जाना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जोन जब मिडल होता है ना, यानी कि जोन का मिडल, तो उसमें ही ज़्यादा जोन आता है। तो आपको सबसे पहले जाके मिडल में बैठ जाना है। अब आप लोग बोलोगे कि यार एनिमीज कहीं से भी आ सकते हो, तो गाइस आपको उस टाइम पे क्या करना है पता है कि मीन्स आपको सिचुएशन देखनी है, छुप छुप के खेलना है कि मीन्स सिचुएशन कैसे, मेरे पीछे बंदा है तो मैं कहाँ जाऊँ, तो उस पर भी ध्यान रखना है और आगे भी देखना है कि कोई एनिमी है या फिर नहीं। और लॉन्चर, जब भी लॉन्चर मिले ना सोलो वर्सेस स्क्वाड में, ले लो, उठा लो,
और उसमें मतलब शॉर्ट रेंज की गन हटा देना, ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट रेंज की गन ले रहे हो और लॉन्चर, वो एकदम बकवास कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होगे कि मैं एकदम मिडिल वाले हाउस में आ चुका और मेरे पास लॉन्चर, और मेरे को इधर एनिमी दिखा था बट मैं बोला कि मैं अभी फायर नहीं करूँगा वरना मेरी लोकेशन ना एक्सपोज हो जाएगी उनको। फिर मैंने क्या किया, इधर तो लैंडमाइन लगा दिए, जहाँ से भी बंदा आ सकता था वहाँ पे मेरे पास लैंडमाइन थे तो मैंने दोनों लगा दिए। फिर मैं वॉल हाथ में, देखो ये एनिमी है, मैं क्या कि एकदम शांति से स्कोप खोल के हेड मारने का ट्राई किया, और फिर दूसरा है उसको भी सेम वही किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत लोग गलती करते, सब लोग ना ड्रैग मारने के जाते और मीन्स एनिमी मार नहीं पाते, एनिमी 10-20 इतनी HP से बच जाता है। तो मैं तो यही प्रीफर करूँगा कि आप स्कोप खोल के एकदम आराम से हेड मारने का ट्राई करो सोलो वर्सेस स्क्वाड में। सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर आप लोग जितना भी हो सके ना छुप छुप के खेलो और किल्स निकालने का ट्राई करो, मीन्स टूर्नामेंट के बेस पे खेलोगे ना तो किल्स उधर बहुत ज़रूरी होगी। देखो एक ग्रेनेड आया, मैं वॉल लगा दी बट ग्रेनेड अंदर घुस चुका था तो उसकी वजह से मैं ठीक से नहीं देख पाया। अब एनिमी ने देख लिया है कि मैंने डैमेज दे दिया तो अब वो रस तो करेगा ही। अब मेरे पास लॉन्चर है तो देखो गाइस लॉन्चर का एकदम सटीक से इस्तेमाल किया और उसको मार दिया। अभी मैं AK लेने जाता तो उसको डैमेज पड़ता नहीं पड़ता, वो मेरे को मार सकता था, तो मीन बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, तो मैंने टाइम बचा दिया, लॉन्चर मार के रिस्क ले लिया मैंने। यहाँ पे मैं मर भी सकता था बट कोई नहीं, चलता रहता यार गाइस। रिस्क मैंने लिया ज़रूर था बट मेरे को उसका बेनिफिट भी मिल गया कि एनिमी को मैंने मार भी दिया और मेरी लोकेशन भी शेयर नहीं हुई। अब जाते हैं हम थोड़ा जोन में, अब ट्राई करते हैं कि हम बुया निकाल पाए, अगर बुया निकल पाएंगे तो हमारी टीम को अच्छी सी पोजीशन मिल जाएगी, तो मीन यही है टूर्नामेंट का बेस।